ये काम इतना सरल नहीं है। इसके लिए भगवत गीता में कहा अनेक जन्म तक सहस्त्र जन्मों तक योगी को प्रयत्न करते रहना पड़ता है। संसार में ज्यादातर लोगों की स्थिति ऐसी होती है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्य एक ही बात होती है जीवन की भोग भोग और भोग। थोड़े लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं भोग से निकलकर धर्म कर्म किया जाए जिसमें अपना भी कल्याण हो परिवार का भी कल्याण हो हमारे आने वाले जन्मों में भी कल्याण हो। और कभी कभार वो बिरले होते हैं जो सोचते हैं कभी इस ब्रह्मांड के पांच तत्वों को भेद कर परम तत्व से जुड़ जाऊं परम तत्व से निकल तो कर लू। मैं आपको प्रथम तो आज गुरु पूर्णिमा है उस गुरु पूर्णिमा के निमित्त इकट्ठे हुए हैं तो परम तत्व में जुड़ने की बात के बारे में थोड़ा कहूंगा। किसी को भी मोक्ष प्राप्त करना हो तो शास्त्रों ने तीन कंडीशन बताई पांच तत्वों को जितना कर्म गिरना में बंधो खत्म करना और ईश्वर का अनुग्रह। यदि रॉकेट को पृथ्वी से बाहर ले जाना हो तो 7,000 माइल पर सेकंड की ऐसी जो गति है इतनी गति से ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक हम पांच तत्वों पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं तब तक इस माया में ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यदि शब्दों से ज्ञान बदल जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहे पानी 100 डिग्री से गर्म करने का जब ज्ञान है कोई कहे हम 60 डिग्री से गर्म कर सकते हैं तो वो हम समझ सकते हैं कि पानी 100 डिग्री से गर्म हो सकता है भावुकता से कुछ नहीं होगा। तो पांच तत्वों से जीता जाए इसकी पहचान क्या संसार का कोई भी योगी हो उस व्यक्ति ने पांच तत्वों को जीता उसकी पहचान क्या प्रथम तत्व है पृथ्वी तत्व। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी तत्व को जीतता है तो उसका शरीर वज्र का बन जाता है उस पर तलवार चलाओ भाला चलाओ गोली चलाओ कुछ भी नहीं होगा उसे। चरणदास हो गए चरणदास पर बादशाह ने गोले चलवाए थे तो चलवाई गोले गिरे कुछ नहीं हुआ उनको। संसार में कोई भी व्यक्ति पृथ्वी तत्व को जीतने का तो वज्र का बन जाएगा वज्र है इंद्र का शस्त्र संसार की सबसे कठिन चीज। कोई योगी पृथ्वी तत्व को जीतने के बाद जल तत्व को जीतेगा पृथ्वरेता बन जाएगा सत्य तत्व की ऊर्जा उद्गमन करने लगेगी वृद्धावस्था खत्म हो जाएगी उसकी क्योंकि पृथ्वी और जल वो दोनों नीचे गिरते हैं अग्नि ऊपर होती है। जब जल तत्व को जीत लेगा पृथ्वरेता बनेगा और अग्नि में प्रवेश करेगा 16-17 साल के युवा जैसा बन जाएगा सुखदेव को जैसा बन जाएगा वो। और अग्नि तत्व में जब प्रबल बनेगा तो वो स्वर्ग लोक तक जाने लगेगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि देवताओं के पास जाते थे देवताओं के साथ बैठते थे और पृथ्वी लोक की और तीन लोगों की चर्चा में जुड़ते थे। जैसे कोई एमएलए बनता है तो स्टेट के बारे में राज्य के बारे में चर्चा करते हैं उसके कार्यों के बारे में मशवरा करते हैं और क्रियान्वित करते हैं उसे। और कोई सांसद बनता है तो देश के हित के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे ही कोई अग्नि तत्व में प्रवेश करता है तो तीनों के कार्य में जुड़ जाता है। कोई वायु तत्व में प्रवेश करता है तो मनुष्य दूसरा जल तत्व जीव इसके लिए स्वाद तीसरा अग्नि तत्व आग
तो ब्राह्मण ने कहा